ना कभी हम सब हार्ट ब्रेक्स, चीटिंग, टू टाइमिंग, ये सबसे ज्यादा है. हाउ डू यू डील विद इट? इफ अ यूनिवर्स इज पुटिंग समवन आउट ऑफ योर लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट दैट हैपन, लेट गो ऑफ इट, बिकॉज़ देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक स्पेस फॉर समथिंग न्यू इन योर लाइफ. मेरा मानना ये है, ग्रीफ, क्राय, जो भी है करो, टेक योर टाइम, बट देन आल्सो कम आउट ऑफ इट. व्हाट डू यू हैव टू से? ऐसा कभी हुआ है कि आप पे किसी ने चीट किया हो? I think हुआ होगा, I'm sure. यार इसने शायद किया, इसने शायद किया होगा. I don't know. पता नहीं, मैंने भी किसी को चीट किया हो जाने अनजाने में या नहीं किया हो, या किसी ने मुझे किया हो जाने अनजाने में. भाई अगर किया है तो मैं उसके लिए बहुत माफी मांगना चाहता हूँ, और जिसने किया है उसको मैं माफ कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है यार, ये होती रहती है चीजें. कोई टिप्स आप देना चाहेंगे प्रतीक को एग्रेशन कम करने के लिए? मिलने वाली थी, आई वाज लाइक ओ गॉड, बिग बॉस में तो ही वाज वेरी अग्रेसिव बंदा है ये, एकदम शॉर्ट टेंपर, एकदम इंपेशेंट. बट जब मैं मिली, मैंने कहा यार ये वही प्रतीक है, एकदम शांत, काम, वेरी लाइक ही वाज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स ऑन द सेट काम, पॉजिटिविटी. आर यू ट्राइंग फॉर एनी रियलिटी शोज? लाइक कैन इमेजिन टू डू सम डांस रियलिटी शो, बिकॉज़ आई एम अ वेरी गुड डांसर. अब तो हो गया सब कुछ रियलिटी शोज, आई थिंक आई हैव डन ऑल ऑफ देम, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, बिग बॉस ओटीटी, लव स्कूल, एंड आई जस्ट वन द बस ऑस्कर्स तक पहुंच. ओह वाओ, लेट्स मैनिफेस्ट इट हियर, हॉलीवुड इज वेटिंग. Hi, this is Asa Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us Prateek and Dilbar for Kabil, and I have to say that trend ho raha hai, reels dekh rahi hu main Kabil ke, which is just amazing and kabiliyat tareef hai. So yeah, welcome to Awesome TV guys. Thank you so much. And main baat bolna chahunga ki aap kitna badhiya bole, matlab sare jo bhi hamare interviews de rahe hain, actually sab log non stop kitna badhiya ek flow mein, you have to speak without fumbling, yeah, that's a good thing yaar. I think that is our craft, but talking about your craft, crazy, yeah, you did a great job. I mean, you guys, obviously, tell me, how did this get on board? I was in talks with about the song and all that, and then I got to know that Stebin is gonna sing the song, and the storyline was pretty good, and plus we had to go to Sweden to shoot it, so it was sounding very exciting aur bahut hi mazedar lag raha tha sunne mein. Maine kaha karte hain yaar, अच्छा है, मजा आएगा. एंड प्लस द डायरेक्टर सर वॉज वेरी नाइस, वेरी काइंड, एंड द प्रोड्यूसर सर वॉज वेरी काइंड. तो बात करके एक वाइब मैच हुई, और फिर हमने बस वी जस्ट डिसाइडेड वी हैड टू डू इट, एंड देन आई मेट हर ओवर देयर. अच्छा, यू मेट हर ओवर देयर, मतलब पहले से आप नहीं जानते थे एक दूसरे को? ओह, केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी, सो आई वाज लाइक अच्छा पहले से जानते होगे शायद. वैसे लेकिन हाँ, वी हैड अ गुड कनेक्शन फर्स्ट डे ऑफ द शूट, तो आई हैड टू ब्रेक द आइस टू टू गो एंड से हाय. तू क्रेडिट ले ले सारा, तूने किया सब कुछ. मुझे आई गॉट अ कॉल बाई रिकमेंडेशन, ऑफकोर्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो उनको अच्छा लगा मेरा काम, तो फाइनल हुआ और चलेगा स्वीडन. ओके, स्वीडन में शूट हुआ है. आई हैव टू से दैट इसके लिए एक प्रिपरेशन लगी होगी ना, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज नॉट जस्ट अ फन लविंग सॉन्ग जहाँ पर आपको जाना है, ऑल वो इंटेंस, क्वाइट इंटेंस. एक्चुअली प्रतीक तो काफी इंटेंस लग रहे थे थ्रू आउट द वीडियो, एंड आपका भी लास्ट में कुछ ऐसे विजुअल्स थे. मैं तो कुछ थी पहले, हाँ लास्ट में आपके वैसे विजुअल्स थे बेचारे, ये तो स्टार्टिंग से. हाँ, एंड में मैं रोई को. ऑनेस्टली प्रिपरेशन का क्या था कि यू नो एज आर्टिस्ट आई बिलीव दैट ओवर प्रिपेयर करना भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज देखो कैरेक्टर में घुसना अच्छी बात है, घुस जाओ, बट स्क्रिप्ट को लेके अभी ये तो गाना है, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बट आप अगर स्क्रिप्ट को लेके ओवर प्रिपेयर करते तो दैट्स नॉट गुड थिंग, इट बिकम्स मैकेनिकल. सो यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस. प्लस हम जब बात हुई गाने की, और उसके कई दिनों कुछ ही दिन थे, तीन चार दिन बाद हम शूट के लिए चले गए थे, सो जो प्रिपरेशन हुई वहीं पर हुई, एंड वही मोमेंट में अपने आप को उस चीज़ में डालना पड़ा, तो बहुत मज़ा आया. Okay, so that is like your thinking towards a character. Like this is how you think. It depends. If I get time, then I will surely put myself into it before. But since we were just like we spoke and we straight away went for the shoot, so it happened over there. It was good. Amazing. So what do you think? You know, when how do you prepare for your thing? Honestly, मुझे prepare करना अच्छा लगता है for like big roles for movie. जैसे मैंने पंजाबी movies किए हुए हैं. पर म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए बिकॉज वहाँ पे डायलॉग्स नहीं है, वहाँ पे बस फील करना है, परफॉर्म करना है, तो क्योंकि डायलॉग डिलीवरी नहीं है, तो इट एवरीथिंग कैन बी ऑल्सो स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट. तो उसके लिए हमने कुछ प्रेपरेशन नहीं किया, ऑन द स्पॉट ही किया सब कुछ. तो फील करके किया है. बट क्या है ना, म्यूज़िक वीडियो को लोगों को लगता है कि भाई आसान चीज़ है. नहीं, बिल्कुल नहीं. व्हेन यू
are supposed to express an emotion without uttering a single word. That's also not easy. But how much time did it take you all to shoot? 2 days of shoot, I think. Two days. Okay. मतलब लगभग कितने घंटे shoot किया होगा per day? 12 घंटे. हाँ. वो तो काफी मुश्किल है. मतलब obviously music video इतना easy नहीं है जितना हम 4 मिनट में देख लेते हैं. नहीं बिल्कुल नहीं. वैसे तो जरा भी. और आपको अपनी देखो एक अच्छे artist को ना अपनी आँखों से बताना भी जरूरी होता है. हमारे लिए ऐसा नहीं है भाई कि बस काम किया खत्म किया shoot किया वापस घर आ गए बैठ गए. It's very important ताकि आपकी आपको feel हो वो चीज as a viewer. और आपकी कोई चीज मेरे को feel हो as a viewer. So you have to put in your heart यार. Yeah, and it was just connecting the chord, I have to say. And not only mine, I think in the comment section, it's quite visible. Did you guys read the comments? I do read that. अच्छा यू रीड द कॉमेंट्स. ओके बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया. ऑफकोर्स आई थिंक जो कॉन्टेक्स्ट है वही ऐसा है कि हर कोई रिलेट करता है राइट इस चीज़ से. आपने भी रिलेट किया होगा लाइफ में कभी ना कभी. हम सब हार्ट ब्रेक्स चीटिंग टू टाइमिंग ये सबसे ज्यादा है. हाउ डू यू डील विद इट लाइक पर्सनली आपने कभी डील किया है एंड अगर किया है तो कैसे उससे निकले आप? नो यू टॉक. यार मुझे क्या लगता है ना कि देखो मैं मेरा स्कूल के टाइम का एक ब्रेकअप हुआ था तो मुझे लगा कि यार मैं ना बहुत सैड था उस टाइम. आई रिमेंबर सो जस्ट मैंने अपने आप को इस जोन में डाला कि भाई कोई और मेरी फीलिंग्स को हर्ट कैसे कर सकता है. आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई ओन इमोशंस एंड माई फीलिंग्स. सो आई गॉट एंग्री एट माई सेल्फ एंड विद दैट आई टर्न दैट सैडनेस एंड सॉरो इनटू एंगर एंड दैट इज हाउ आई गॉट ओवर इट. मैंने अपने आप को बहुत मैं गुस्सा हो गया अपने आप से कि भाई तू अपने आप को किसी को इतना कंट्रोल में क्यों दे रहा है अपने यू नो अपनी इमोशंस के लिए कि तू किसी और की बातों से इतना हर्ट हो जाए. ऐसा हो ही नहीं सकता. अपने आपको मैंने गुस्से में डाल के एंड देन आई वर्कड आउट. आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट दैट टाइम अ लॉट एंड आई जस्ट गॉट आउट ऑफ इट. सो मुझे लगता है कि ठीक है ये सब चीज़ें होती हैं बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यार हर इंसान की ना आपकी जिंदगी में एक जर्नी होती है. जब उसका समय पूरा होता है ना इंसान का तो उसको वहाँ से जाना पड़ता है आपकी जिंदगी से. अगर आप किसी पुरानी चीज़ को लेके बैठे रहोगे भाई तो फिर वो आप रो नहीं कर पाओगे जिंदगी में. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मूव ऑन भी नहीं कर पाते. आई थिंक वही चीज़ लेकर बैठते हैं कि इफ अ यूनिवर्स इज पुटिंग समवन आउट ऑफ योर लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट दैट हैपन लेट गो ऑफ इट बिकॉज देन only you will be able to make space for something new in your life. Obviously, but I think moving on is so difficult, right? When you the process is so difficult. यार आदत की बात है. आदत की बात है. यार आदत है सिर्फ. नहीं मेरा मानना ये है grief, cry, जो भी है करो. Take your time, but then also come out of it. मतलब अगर आप grieve भी नहीं करोगे ना उससे भागे जाओगे. मतलब you won't face that situation. If you want to run away from that situation, तो वो फिर कहीं और it will come out. So उस चीज़ को grief कीजिए आप, time लीजिए अपना, फिर come out of it and then move on. But I've had really bad breakups in my life. मैंने एक चीज़. Do you have like anxiety issues and all because of that? Because that is also very common. I'll tell you what. Yeah. During school and college times, I've had really bad breakups. तो क्या होता है ना कि कभी-कभार आपको एक इंसान की इतनी आदत लग गई होती है कि आपको लगता है कि भाई उसके बिना तो अब मैं कैसे ही करूंगा. लेकिन ओवर टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि भाई कोई किसी के बिना मरता नहीं है. हम बोलते हैं कि भाई मैं तेरे बिना मर जाऊंगा तेरे बिना मर जाऊंगी. कोई नहीं मरता किसी के बिना. आपकी आदत छूट जाती है और आप ठीक हो जाते हो ओवर टाइम. खत्म बात. इतनी सी बात है बस. और ये मैंने रियलाइज कर लिया. उसके बाद मुझे लगा कि यार इट्स यू कैनॉट बी सो हर्ट इन लाइफ इफ यू अंडरस्टैंड दैट. आप ओके हो ही जाओगे भाई. आप ओके हो ही जाओगे. और प्लस हमारी फैमिलीज जो है उन्होंने हमारे लिए इतना किया भाई उनके ऊपर फोकस करो. बाहर दिल तोड़वा के क्या मर रहे हो किसी के लिए. Simple बात है. You have a cute bond with your sisters. I have to say, मतलब मैं देखती रहती हूँ social media पे, it's pretty cute. So family time तो बनता है प्रतीक, obviously. That is the only thing that. And that is the only healing also, ना? Family से better healing कुछ नहीं हो सकता यार. Ultimately वही रहता है. What do you have to say? ऐसा कभी हुआ है कि आप पे किसी ने cheat किया हो? हाँ. हुआ है. हुआ. तो जब आप ये shoot कर रहे थे, तो जब आप वो position में थे, जब आप cheat कर रहे थे, बताइए please बताइए आपके side से बताइए. तो मैं पहली बार मैं cheat कर रही थी but in a music video. तो तब मैं सोच रही थी कि यार मुझ पर क्या बीत रही थी actually. So it was very unfair. The feeling is not a nice feeling. And so but then वो जिस बंदे ने चीट किया हुआ था तो नाउ ही इज कार्मा बोलते ना कम्स बैक. या वैसे ही हुआ उसके साथ भी. देखो कर्मा होता है कर्मा. यस तो एवरीथिंग कम्स बैक टू यू. आपके साथ कभी हुआ है लाइक हैव यू एवर बीन चीटेड ऑन? आई थिंक हुआ होगा. आई एम श्योर. यार इसने शायद किया. इसने शायद किया होगा. आई डोंट नो पता नहीं. मैंने भी किसी को ट्रीट किया हो जाने अनजाने में या नहीं किया हो या किसी ने मुझे किया हो जाने अनजाने में. भाई अगर किया है तो मैं उसके लिए बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ और जिसने किया है उसको मैं माफ़ कर देता हूँ. ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है यार ये होती रहती है चीज़ें जिंदगी में. यू नो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक दैट यू नो आई एम ओके आई एम हैप्पी सिंगल. यार बिकॉज क्या है ना कि हम जाने अनजाने में लोगों को हर्ट कर देते हैं दिल दुखा देते हैं. तो फिर इससे बेहतर ये है कि भाई अकेले किसी का दिल मत दुखाओ ना अपना दुखने दो. ठीक है जिंदगी सही है.
क्या बात है. तो ये तो मतलब प्रतीक ने एकदम टिप दे दिया. मैं माफ कर देता हूँ, माफ कर दो, माफ करता है तो जिंदगी में आगे बढ़ना इजी हो. माफ करो, पर देन जो बंदा चीट करता है उसको चांस नहीं देना चाहिए फिर से, क्योंकि दैट ही हैड दैट पर्सन हैज अ टेंडेंसी टू डू इट अगेन. सो प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नॉट गेटिंग हर्ट. एग्री, आई टोटली एग्री विद यू. ओके ग्रेट, आगे बताओ कि आगे क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, बातें करते हैं. बहुत बहुत कुछ चल रहा है. लाइंड अप क्या है? काफी चीजें जैसे क्या काफी चीजें लाइंड अप है, बट उनको अभी मेंशन करना मतलब कोई को बार सोचती हूँ कि चलो लेट द वर्क हैपन एंड देन मेंशन करके फिर लेट द फरारी मेक द नॉइज. यस अमेजिंग. प्रतीक आपने अपना एग्रेसिव नेचर कितना कम किया आफ्टर बिग बॉस? बहुत सारे फैंस हैं जो पूछते हैं कि प्रतीक इज वर्किंग, इज प्रतीक वर्किंग ऑन हिमसेल्फ एंड ऑल. आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट, लाइफ इज अ कांस्टेंट, जिसे कहते हैं ना जर्नी ऑफ ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट, एंड आप जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसी बात है. और दूसरी बात मुझे लगता है कि अपने आप को अपना अग्रेसिव नेचर कभी छोड़ना नहीं चाहिए. एक अग्रेसिव पैशन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अग्रेशन. अग्रेशन रहना चाहिए भाई, बस उस अग्रेशन को सही तरीके से आप चैनलाइज करो और कहाँ पे निकालना है कहाँ पे नहीं निकालना वो समझो बस, और कोई बात नहीं. okay, तो जरूरी है बहुत, ठंडे होना जरूरी नहीं है जिंदगी में, ठंडे मत होना बिल्कुल. क्या बात है. एंड कोई टिप्स आप देना चाहेंगे प्रतीक को एग्रेशन कम करने के लिए? लड़कियों से बहुत अच्छी टिप्स आती है. मैंने कहा यार ये वही प्रतीक है, एकदम शांत, काम, वेरी लाइक ही वाज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स ऑन द सेट काम, पॉजिटिविटी दे रहा था सबको. यार जो सांप होता है देखो, जो जानवर होते हैं सांप, वो किसी को डसता नहीं जब तक आप उसको छेड़ो ना. तो फिर जब कोई छेड़ ही नहीं रहा तो क्यों गाल रहा होगा, पागलों की तरह चिल्लाते रहूंगा हर जगह पे. कोई अगर वैसे तो लग रहे थे पागल बिग बॉस में, पता ना बट सिचुएशन, वो घर का माहौल ही वैसा होता है बिग बॉस में ना, जो जो एग्रेसिव नहीं भी होता ना वो भी हो जाता है एग्रेसिव. आर यू ट्राइंग फॉर एनी रियलिटी शोज? ये क्वेश्चन तो काफी बार अभी आया है, ये काफी बार आ चुका है, ये काफी बार आ चुका है, बट हम कभी सोचा नहीं, बट लेट्स सी व्हाट कम्स माय वे. डेफिनेटली आई कैन इमेजिन टू डू सम डांस रियलिटी शो बिकॉज़ आई एम अ वेरी गुड डांसर, सो देखते हैं. ओके लास्ट क्वेश्चन प्रतीक, पता है बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं बट वो इसीलिए पूछता है बिकॉज वो दे लव यू, यू नो दे लव यू सीइंग एट रियलिटी शोज एंड स्टफ. कौन सा रियलिटी शो करने वाले? अब तो हो गया सब कुछ यार, ऐसा मत बोलो, मतलब ये तो मतलब फैंस के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग चीज हो जाएगी ना. बाकी क्या है? अब मेरा स्वयंवर रह गया तो वो मेरे को करना नहीं है भाई. स्वयंवर करो ना, क्या करना स्वयंवर करके. हाँ अभी आप भी स्वयंवर कर सकते हैं, व्हाई नॉट, नेवर से नेवर. रियलिटी शोज आई थिंक आई हैव डन ऑल ऑफ देम, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, बिग बॉस ओटीटी, लव स्कूल एंड देन एस ऑफ स्पेस, सो मेनी थिंग्स आई हैव डन इन रियलिटी. वाओ, सो यू आर आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय एक्टिंग एंड आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट विद माय एक्टिंग एंड माय परफॉर्मेंसेस एंड आई जस्ट वांट द बस ऑस्कर्स तक पहुंच के बस. वाओ, लेट्स मैनिफेस्ट इट, योर हॉलीवुड इज वेटिंग. यस यस, अमेजिंग. लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इतना ही बोलेंगे, थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ पॉजिटिविटी विच यू सेंड टू अस टुवर्ड्स अस एंड बस हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ बढ़ रहे हैं आगे एंड लॉट्स ऑफ लव. सॉरी फंबल हो गया है लास्ट लाइन में. कोई नहीं, ऐसा भी बहुत होता है. ऐसे ऐसे सपोर्ट करिए काबिल को, वी आर ट्रेंडिंग. देख भाई उधर, वी आर ट्रेंडिंग राइट नाउ, प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. अगर आपको हमारी केमिस्ट्री अच्छी लगी है तो शायद काबिल sequel to be sequel uska bane 2.0. let's manifest and yeah. Thank you so much for your support and love. Thank you so much and it was amazing having a conversation with thank you. It was thank so you. good. same here, thank you. aapne wala bahut sare logo ko bahut sare tips de diye, I'm sure fans bahut khush hain. bahut sare tips diye aapne bhi diye, kam nahi diye. yaar baba theek hai. Thank you, yeah. Thank you so much for your time. Thank you so much. Hi, guys. I'm Pratik Sejpal. Hi, I'm Dilbar Arya. And you're watching us on Awesome TV. ये क्या होता है भाई?